हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों, अगर आपके फ़ोन से होम स्क्रीन से जो टाइम होता है वो यहाँ पर डिलीट हो गया है, यहाँ पे ये जो टाइम रहता है ना, वो अगर आपके फ़ोन में इस तरीके से रिमूव हो गया है, तो इस प्रॉब्लम को आप लोग यहाँ पर कैसे ठीक करेंगे, तो इसके बारे में मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपके फ़ोन में होम स्क्रीन नहीं है, मतलब होम स्क्रीन पर जो टाइम है वो नहीं दिखा रहे हैं। तो इसको लाने के लिए दोस्तों, आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपको यहाँ पर अपने फ़ोन के स्क्रीन में इस तरीके से लॉन्ग प्रेस कर लेना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको वेजेस का ऑप्शन आता है, तो आप लोग यहाँ पर वेजेस पे क्लिक करिए। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर जो यहाँ पर क्लॉक का टाइम रहेगा वो आपको बहुत सारे डिफरेंट तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब आपको इनमें से जो भी अच्छा लगता है, आपको जो भी यहाँ पे अच्छा लगता है, आप लोग यहाँ पे उसको सेलेक्ट करिए। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ सबसे पहले। जैसे ही मैं सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर आपको राइट पे क्लिक करना है। राइट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपके फ़ोन पर जो टाइमिंग वगैरह है वो यहाँ पर जो है सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर अपने फ़ोन के होम स्क्रीन में जो टाइमिंग वगैरह है उसको यहाँ पर वापस ला सकते हैं।